हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे कक्षा आठवीं गणित की प्रश्नावली 2.2 का पांचवा क्वेश्चन है जो बच्चों द्वारा पूछा गया है। तो इस सवाल को कैसे हल करते हैं, आइए दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए दोस्तों कैसे सवाल हल होगा। दो संख्याओं में अनुपात 5/3 है और यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दो संख्या, इसने क्या कहा, दो संख्या है तो माना संख्याएं क्या है, ए और बी। ए और बी दो संख्या है, ठीक है, ए और बी दो संख्या है। संख्या कौन से अपने मान लिया कि ए और बी है, ठीक। फिर कह रहे हैं उनमें अनुपात, तो अनुपात का मतलब क्या होगा, बटा, यानी अनुपात मतलब होगा ए बटा बी, इसको अनुपात बोलते हैं। ए बटा बी को क्या बोलते हैं, अनुपात। और उनका अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है, 5:3 दे रहा है। एक बात तो ये बताइए इसने, और दूसरी बात क्या कहा, उनमें अंतर मतलब ए और बी में अंतर यानी देखो अंतर मतलब घटाना, ए माइनस बी इसको अंतर बोलते हैं। और अंतर कितना दिया, 18 दिया उसने, ठीक है। ये तो अपनी एक समीकरण बन गई। अब अंतर की जहां जरूरत पड़ेगी वहां इसको हल करेंगे। पहले इससे अपन ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, किसी भी एक संख्या का मान ज्ञात कर लेंगे, इससे किसी भी एक संख्या का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां रख के दूसरी के मान पर निकाल लें, ठीक है। तो देखिए यहां पे अब आपको मालूम होगा कि जब a बटा b है बराबर 5/3, अब इसमें क्रॉस गुणा होगा, a का गुणा 3 में होगा, b का गुणा 5 में होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस गुणा नहीं, कुछ कैसे भी हल कर सकते हैं। देखिए अपन a का मान निकालते हैं, ये a है तो a बराबर क्या होगा दोस्तों, देखिए a बराबर क्या होगा, ये 5/3 तो है लेकिन b भाग में तो कहां जाएगा, गुणा में चल जाएगा, बस कुछ नहीं करना, 5b/3 ये a का मान हो गया अपने पास। अब ये a का मान हो गया तो इसे a की जगह रख दो, इसको a का मान हो गया तो इसको कहां रखेंगे, इस a की जगह इसको रख दें। तो ये a है, ये अपनी समीकरण नंबर 1 बन गई, ठीक है। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखेंगे कि जो a है इसकी जगह क्या लिखना पड़ा, 5b/3 लिखेंगे अपन, 5b/3 -b/1 = 18, ठीक है। अब इसको अपन हल करेंगे, देखिए बटा में इसके नीचे 3 है तो यहां कुछ भी नहीं है, अपन 3 का इसमें गुणा भी करें और 3 का इसमें भाग भी लगाए तो बराबर हो गया। जब 3 इसमें बटा में है, 3 इसके बटा में है तो क्या होगा, 5b, देखो इसका वर्ग लघुतम कितना आएगा, 3 ही आएगा, तो 5b - 3b बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर 18 हो जाएगा। और 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2b बचे, 2b/3 बराबर 18। अब यहां से अपन b का मान निकालेंगे, b बराबर क्या होगा, 18 तो है ही सी, इसके जो संख्या गुणा में है, गुणा में कितना, 2 है, तो गुणा वाली संख्या कहां गई, भाग में, ठीक है, समझ में आ रहा है, गुणा वाली संख्या भाग में, और इसकी जो भाग वाली संख्या कहां गई, गुणा में गई। बस ये ध्यान रखना है, गुणा वाली संख्या भाग में आएगी और भाग वाली संख्या गुणा में जाएगी। अब इसको काट पीट कर दें, 2 से काटा, 2 × 2 = 2, 2 × 9 = 18 और 9 × 3 = 27, तो ये बी का मान अपने को 27 प्राप्त हो गया। जब बी का मान 27 प्राप्त हो गया, अब इसको अपन कहीं पे भी रख सकते हैं,
चाहे इसको यहां पे रख दो चाहे यहां पे रख दो, जहां भी रखेंगे आपका ए का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये बी का मान 27 प्राप्त हो गया, अब ए का मान यहां पे रख दो, है ना, ए का मान निकालना आप लोगों को, तो बी का मान रख दो जैसे यहां रखेंगे, एक ए तो अपने पास है सही, ए तो है सही, ए माइनस बी का मान कितना आया 27 आया, तो ये 27 यहां लिख दिया बराबर कितना है 18 है, और ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये 18 तो है सही, माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया और ये जुड़ गया, तो 8 में 7 15 के 5 हासिल आया 1 2 और 2 4, तो ए और बी का मान कितना हुआ, ए का मान कितना हुआ 45 और बी का मान कितना हुआ 27, तो उत्तर क्या आएगा आपके पास, संख्याएं, संख्याएं पहली संख्या कौन सी हुई, ए का मान कितना हुआ 45 और दूसरी संख्या कितनी हुई 27, ठीक है, ये आपका आंसर। आगे समझ में, ए का मान 45 है और बी का मान 27, अभी कह रहा है उनका अनुपात अगर इनको बटे में अगर लिखेंगे तो बटे में अगर लिखते हैं तो अपना क्या होगा मालूम है, देखो 45 और 27 लिखेंगे, अगर इसको चेक भी करें ना यहां तो कह रहा देखो कि अनुपात, तो देखो अनुपात मतलब 45/27 काटो इसको, देखें देखो 5 नमक की 45 नहीं 5 नहीं 9 से काटेंगे, 9 5 45 और 9 3 27 यानी 5/3 आ रहा, 5:3 ये उसका अनुपात, अनुपात 5:3 आ गया, अनुपात आ गया इन दोनों का। फिर कह रहा है उनका अंतर, यानी अपन 45 देखो ये 45 है कितना है, 45 में से 18 घटाओ कितना बचे 27 घटाओ तो कितना बचेगा, 15 में 7 गया तो 8 और 3 में 2 गया तो 1, ये 18 आ गया, अंतर भी 18 आ रहा और अनुपात भी 5:3 आ रहे, इसलिए अपना उत्तर बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल और देखिए, ये भी बच्चों ने पूछा था तो इसको कैसे हल करेंगे, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होगा, वह संख्या ज्ञात करना। अब इसमें परिमेय संख्या क्या होती है मालूम है, परिमेय संख्या देखो माना परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या होती है, x/y इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, जो बटे में होती है अंश बटे हर, इसको परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या केवल x को परिमेय संख्या नहीं कह सकते, पर x/y को परिमेय संख्या कहेंगे। अब क्या कह रहा है कि इसको 5/2 से गुणा करें, देखो तो x/y गुणित 5/2 गुणा कर दिया, फिर कह रहा है कि 2/3 जोड़ दो, तो इसमें 2/3 जोड़ दो, फिर क्या कह रहा है कि -7/12 प्राप्त होता है, माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, ये समीकरण बन गई, समझ आ गया, ये कहे गुणा करे तो गुणा कर दो, भाग के तो भाग दे दो, जोड़ करने के तो जोड़ कर दो, घटाने के तो घटा दो, जैसा कहे वैसा करते जाओ, ठीक है। तो अब इसने गुणा करने का गुणा कर दिया, जोड़ने का जोड़ दिया, फिर इसके प्राप्त होता मतलब ये बराबर में इतना आता है। देखिए अब हल करेंगे, x का गुणा 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5x होगा, y का गुणा 2 से करें तो 2y हो जाएगा, धन 2/3 बराबर -7/12। अब देखिए ये x/y संख्या ऐसी ऐसी रख दो, ये संख्या प्लस की इधर जाएगी तो क्या होगी, माइनस की हो जाएगी, यानी कि 5x/2y बराबर -7/12, और यहां प्लस की तो इधर होगी तो क्या होगी, माइनस की 2/3 हो जाएगी। अब यहां पे अपन हल करेंगे, 12 और 3 का लघुतम लेंगे, 12 और 3 का लघुतम लेंगे क्या होगा, देखो 3 से लगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 4 से लगा 4 एकम 4, यानी 3 का 4 में गुणा करना, 3 × 4 = 12, 3 चौक 12, तो यहाँ एलसीएम लघुतम कितना आया 12 है, 12 का इसमें भाग लगाया कितना आया 1 आया, 1 का 7 में गुणा किया तो -7,
माइनस तीन का पहाड़ा बोलेंगे 12, कितने 12, 3 चौ 12 और 4 दूनी की 8, तो इनको जोड़ दे। अब देखो -7 और -8 कितना हो, माइनस के 15 बटे 12 ये प्राप्त हुआ। देखिए अब यहां पे संख्या देखिए आप, -5/2 है ना, अब यहां जगह नहीं, मैं तो लिख रहा हूं ये, तो यहां देखो 5x/2y बराबर कितना है, -15/12 ठीक है। अब क्या करना, ये जो x बटा वाई है ना, ये अपनी परिमेय संख्या है x/y, तो -15/12। अब यहां ध्यान देना है, जो इसकी गुणा वाली संख्या कहां जाएगी, भाग में जाएगी, गुणा में कितना 5 है तो ये भाग में आ गया, और ये भाग में संख्या 2 है ये गुणा में चल जाएगी। बस ध्यान रखना, आप सोचोगे यहां कैसे आया, ये 5 गुणा वाली संख्या भाग में आ गई और भाग वाली संख्या गुणा में चली गई, ठीक। अब इसको काट पीट कर दो, देखो 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 12 और 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 15 और फिर 3 से कट जाए, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, तो क्या बचा, -1/2 बचा, तो ये इसका आंसर है, ये -1/2 इसका आंसर है, वो परिमेय संख्या क्या है, -1/2, ठीक, -1/2 इसकी उत्तर। थैंक यू दोस्तों, इस तरह वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।